हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आई थिंक आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी सही से आप लोग कर रहे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी जो है चल रही होगी तो अभी देखो अब ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है और मैंने मैंने जैसा कि आपको पहले बार बार, बार बता चुका हूँ कि इस टाइम पर आपको जो ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है, है क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना और रिविज़न दो ही चीज़ें अभी इस टाइम पर हैं जो आपका स्कोर जो है बढ़ा सकती है इम्प्रूव कर सकती हैं और आप जो है और अपने जो भी आपका स्कोर है या फिर जो आपकी पढ़ाई है उसको आप और भी अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप इन लोग अगर इन दोनों चीज़ों को फॉलो करोगे तो आई थिंक अच्छा स्कोर करोगे फिलहाल अभी जहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो वहाँ से तो काफ़ी आप बेहतर हो जाओगे अगर आप इन दो चीज़ों को अगर सही से फॉलो करते हो तो अब इस टाइम पे देखो आप लोग क्या करो कि एक ही सब्जेक्ट लेके मत पढ़ना कि मतलब अगर आज मान लो आप फिजिक्स केमिस्ट्री लेके पढ़ या फिर बायो पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन बस खाली फिजिक्स पढ़ो बायो पढ़ो देखो ऐसे नहीं करना आपको एक कम से कम आपको रोज़ मॉक टेस्ट देना है कैसे भी करके कुछ भी करके आपको एक मॉक टेस्ट देना ही देना है कहीं से भी करके और उसके बाद जो आपको काम करना है वो करना है कि उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है फिर वहाँ से आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको आप को जा, जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक को देखना है कि मेरे क्वेश्चन जो हैं कहाँ से गलत हो रहे हैं किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं तो आपको उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है जाके पढ़ना है अच्छे से और उसको थोड़ा इम्प्रूव करना है वो जो चीज़ आपका वीक पॉइंट है तो ऐसे आपको करना है दूसरी चीज़ की आपको देखो अगर आज आप जैसे कि कोई चीज़ रिविज़न करनी बैठो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आज आप एक ही सब्जेक्ट है सिर्फ फिजिक्स मालूम आपने उठा लिया उसके आज आपने तीन चार चैप्टर कर डाले तो रिविजन तो ऐसे आपको देखो नहीं करना है सारे सब्जेक्ट चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो नर्सिंग एप्टीट्यूड हो इंग्लिश हो आपको सबका रिवीजन रोज करना है सबके क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज करनी है ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आज एक या दो सब्जेक्ट की मैं प्रैक्टिस करना है आपको ठीक है तो ऐसे आपको नहीं करना है रोज आपको सारे सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिस करना है तो आज के वीडियो में मैं आपको एंटोनिम्स यहाँ पे इसके क्वेश्चंस कराऊंगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक और इंग्लिश का जो था पोर्शन वो भी काफ़ी अब इंक्रीज कर दिया ए बी बी ने तो फोट जो फोर्टी क्वेश्चन इस बार इंग्लिश के आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके भी तीन चार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे तो आपको ये सब चीज़ें जो होती हैं काफ़ी अच्छे से करके जाना क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन है आप तो अब चलो चलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं आज की देखो तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला है कि एबिलिटी एबिलिटी का मतलब क्या होता है जैसे कि कोई योग्यता आपके अंदर अगर हो तो इसका क्या करना है हमें बताना है कि मतलब इसका क्या है अपोजिट हमें ऐसा बताना है तो पहला ऑप्शन क्या है इनकॉम्पिटेंस बी है कॉम्पिटेंस एंड सी क्या है डिसेबिलिटी एंड डी क्या है फ्यूटैलिटी तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे फर्स्ट होगा क्या होगा इनकॉम्पिटेंस तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में एडिक्वेट एडिक्वेट का मतलब क्या होता है पर्याप्त कोई चीज़ तो ऑप्शंस क्या क्या है स्कैरिस स्कैंटी इनएडिक्यट एंड प्रया प्रेट तो सेकेंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा सी होगा क्या होगा इनएडिकुएट अब अगला क्वेश्चन है इसमें है कि अटेंशन अटेंशन का आपको एंटोलेंस बताना है तो पहला ऑप्शन क्या है डिटेंशन बी है निग्लिजेंस सी क्या है प्रिवेंशन एंड डी क्या है मैंशन तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे उसका क्या होगा बी होगा नेग्लिजेंस कि मतलब आपको जो है इग्नोर करना किसी को अब क्वेश्चन नंबर फोर में है कि अथोराइज अथोराइज का आपको एंटोनिम्स बताना है तो एक बार देख लेते हैं पहला ऑप्शन है इंस्क्राइब बी है डिस्क्राइब सी है प्रिस्क्राइब डी क्या है प्रोस्क्राइब तो क्वेश्चन में फोर्थ का जो है कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे बी होगा सॉरी क्वेश्चन डी होगा सही ऑप्शन प्रोस्क्राइब अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में है कि बेनी वॉलेंस तो बेनी वॉलेंस का मतलब होता है कि भलाई करना अब ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में है कि क्या है क्रोल्टी एंड बी है मिसरलिनस एंड सी है मेलबोलेंस एंड डी क्या है ग्रीड तो जो क्वेश्चन नंबर फाइव है क्वेश्चन नंबर फाइव का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे सी होगा क्या होगा मेल वायोलेंस अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में है कि क्रेडिबिलिटी इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि भोलापन ठीक है सीधा साधा तो अब आपको इसका इंटोनेंस बताना है तो पहला क्या है इनक्रेडिबुलिटी बी है एस एस ड्यूटी सी है crude, क्या है क्रेलिटी एंड डी क्या है तो क्या है सिंसिजम तो सिक्स का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा पर सिक्स का जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा क्या होगा क्रेडिबिलिटी अब उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें है कि इंजीनियस इसका मतलब होता है कि सरल क्या होता है इसका मतलब इसका मतलब तो होता है सरल मतलब सीधा ये भी तो इसका जो ऑप्शन क्या क्या है क्या है थियोरेटिकल हाइपोक्रिटिकल एंड शाई सेंसटिव तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे बी होगा हाइपोक्रिटिकल आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट में है कि सिनिस्टर सिनिस्टर का मतलब क्या होता है कि भयावह है अब ऑप्शंस क्या क्या हैं क्या इसका मतलब होता है भैया है ऑप्शन क्या क्या हैं काइंड एंड सिंपथेटिक बैड गुड तो एट का क्या होगा यहाँ पे जो सही ऑप्शन जो है डी होगा अच्छा गुड अब अगला क्वेश्चन है कि स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसी चीज़ जो तुरंत हो जाए मतलब कि तत्काल तो इसका आपको इंटॉलेंस बताना है तो रिस्टोर्ड एंड आर्टिफिशियल लेबर्ड एंड अन नेचुरल तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का सही ऑप्शन जो होगा इसका सी होगा लेबर्ड एल ए बी ओ यू आर ई -E डी मतलब कि लेट डिले करना लेट करना अब क्वेश्चन नंबर टेन है इसमें देखते हैं शार्प शार्प का आपको इंटॉलेंस बताना है तो रफ ब्लंट एंड टेडीएस डी क्या है हार्ड तो टेन का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर टेंथ का जो है बी होगा ब्लंट मतलब क्या कुंद होता है मतलब किसे कोई मान लो कोई से आप समझ लो कि आपको, आपको कुल्हाड़ी है ठीक है क्या होती है एकदम शार्प होती है इसको जब आप लोग ऊपर से मान लो इस पर कुछ ऐसे कर दो जिसका जो धार है मुड़ जाती है इसको क्या बोलते हैं ब्लंट बोलते हैं अब अगला क्या है स्टील ठीक है स्टील का मतलब क्या होता है चुराना होता है तो ए ऑप्शन क्या है इसका रेस्टोर बी क्या है सेक्रीफाइस एंड सी क्या है डोनेट एंड डी क्या है गिव तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट होगा रीस्टोर अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इसका है कंसीड इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि स्वीकार करना एक्सेप्ट करना क्या कहता है स्वीकार करना तो ऑप्शंस क्या क्या हैं एसडी एक्डी एंड एंड तो क्या होगा इसका ट्वेल्थ का सही ऑप्शन यहाँ पे ट्वेल्व का जो है फोर्थ ऑप्शन जो सही होगा क्या करना डिनाई करना मना कर देना क्वेश्चन नंबर थर्टीन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन में बोला है कि डेक्सटेरस डेक्सटेरस का देखो क्या मतलब होता है कि निपुण होता है क्या इसका मतलब होता है निपुण होता है तो अब इसका देखते हैं कौन सा इसका एंटोनिम्स क्या सही है इसमें कौन सा ऑप्शन तो पहला क्या है के बी है डल एंड सी है ऑकवर्ड एंड डी है फुलिस तो थर्टीन का जो है कौन सा ऑप्शन सही है थर्टीन के यहाँ पे सी होगा क्या होगा ऑकवर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है पहला इंडेमिक तो इंडेमिक का क्या मतलब यहाँ पे होता है इंडेमिक का मतलब कोई चीज स्थानिक जैसे मतलब एक ही स्थान पे ठीक है स्थानिक है पार्टिकुलर एक प्लेस का तो ऑप्शन क्या क्या है यूनिवर्सल एंड सेकेंड है पाप्यूटियल एंड सी क्या है एपिडेमिक एंड डी क्या है पॉपुलर तो फोर्टीन का जो है कौन सा ऑप्शन सही है फोर्टीन का यहाँ पे ए होगा यूनिवर्सल यूनिवर्सल का मतलब हर जगह कहीं भी पूरे यूनिवर्स में और में का मतलब होता है कि पार्टिकुलर एक स्थान पे कहीं पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं क्वेश्चन फिफ्टीन बोला एंट्रेंस एंट्रेंस का आपको एंटोनिम्स बताना है तो क्या है इमिट एग्जिट आउटकम एंड आउट गो तो फिफ्टीन का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे फिफ्टीन का जो है बी ऑप्शन जो है सही होगा क्या होगा एग्जिट अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में है कि क्या है डेलीजेंट डिलीजेंट को आपका इसका बताना है आपको एंटोनिम्स तो इसका इसका मतलब क्या होता है डिलीजेंट का देखो मतलब होता है कि परिश्रमी क्या इसका मतलब होता है परिश्रमी तो ए ऑप्शन क्या है इंटेलिजेंट बी क्या है इंडिफरेंट सी है नेग्लिजेंट एंड डी क्या है केयरलेस तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो क्या होगा इसका सही ऑप्शन सिक्सटीन का सी होगा नेग्लिजेंट अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में क्या है फर्टाइल फर्टाइल के मतलब क्या होता है उपजाऊ कोई चीज़ है खेत होता है फर्टाइल ठीक है तो उसका अब ऑप्शन क्या क्या है इसका एंटोनम्स क्या होगा अपोजिट पहला क्या है ड्राई सीडलेस अन प्रोडक्टिव एंड डी क्या है बैरन तो सेवेंटीन का क्या होगा यहाँ पर सेवनटीन का जो है डी ऑप्शन सही होगा तो बैरन का मतलब क्या होता है इसका मतलब ऊसर होता है जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं आप आप लोगों ने गांव में इस वर्ड को सुना होगा ऊसर क्योंकि ऊसर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई मतलब इनफर्टाइल प्लेस को बोलते हैं थे तो ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे फर्टाइल का जो एंटोन हो होगा बैलिन होगा मतलब अनुपजाऊ कोई चीज ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन में क्या है पहला है फॉरन तो फॉरन का आपको एंटोन बताना है तो इंडियन लोकल इंडिजिनस एंड नेटिव तो 18 का क्या होगा 18 का होगा इंडिजिनस आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि क्या है इल्यूमिनेट इसका मतलब क्या होता है कि रोशन करना है क्या इसका मतलब होता है रोशन करना तो इसका आपको एंटोनिम्स बताना है तो क्या होगा सही हो? इसका ऑप्शन डार्कन क्वेंच पुट आउट एंड डिस्यूमिनेट तो 19 का क्या होगा यहाँ पे 19 का जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा डार्क आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में है लेमेंट ठीक है तो लेमेंट का मतलब क्या होता है सॉरी लेमेंट इसको पढ़ते हैं अगर सही से अगर इसको हम प्रोनाउंसिएट करें तो लेमेंट तो लेमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे विलाप होता है ठीक है इसका मतलब क्या विलाप करना है तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है पहला ऑप्शन क्या है इंजॉय एंड बी क्या है रिजॉइस सी क्या है सॉरी एंड डी क्या है लाफ ठीक है तो ट्वेंटी का जो है कौन सा ऑप्शन सही है बी होगा रिज्वाइस आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसमें क्या है ऑप्टिमिज्म इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि आशावाद क्या, क्या होता है इसका मतलब आशावाद तो इसका जो है कौन क्या सही ऑप्शन होगा पहला है शौरव बी है लेमेंट एंड सी क्या है परसिमिज्म एंड डी क्या है डार्क तो ट्वेंटी वन का जो है कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे सी होगा क्या होगा पेसिमिज्म उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन ट्वेंटी टू में है इसमें है परसिस्ट परसिस्ट का मतलब क्या होता है किसी चीज पे ठीक है क्या मतलब रहना है रहना तो इसका जो है आपको एंटॉलेंस बताना है तो पहला क्या है इंसिस्ट बी है डिसिस्ट सी है रजिस्ट एंड डी क्या है वेवर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का जो है कौन सा ऑप्शन सही हो होगा यहाँ पे डी होगा वेवर अब आगे देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री है इसका क्या है परश्यूड परश्यूड का मतलब क्या होता है राजू करना किसी चीज के लिए तो इसका जो है आपको बताना है टॉनिम्स पहला क्या है डिश्यूड टर्न अवे रिजेक्ट एक्सेप्ट तो ट्वेंटी थ्री का जो है कौन क्या होगा सही ऑप्शन ट्वेंटी थ्री का फर्स्ट होगा क्या होगा डिश्यूड अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला हमें कि क्या है पैथेटिक तो पैथेटिक का मतलब क्या होता है दयनीय तो इसका आपको जो है देखते हैं कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा तो पहला ऑप्शन क्या है डिस यूडीएस पहला सेकेंड क्या है यू क्या है यूडी क्रियस सी है क्रल एंड डी क्या है हेडफुल है तो ट्वेंटी फोर का जो है कौन सा सही ऑप्शन होगा बी होगा यूडी क्रियस मतलब कि काफ़ी अच्छी स्थिति जिसकी होती है उसको बोलते हैं यू क्या है यूडी क्रियस आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है पॉल्यूट तो आपको पॉल्यूट का आपको बताना है एंटोनिम्स तो पहला क्या है क्लैरिफाइ बी है क्लीन सी है सैनिफ्यूज एंड डी है वॉश तो 25 का जो है कौन सा सही ऑप्शन होगा 25 का भाई सी होगा अब तो चलते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर है एक मिनट यहाँ पे यस ट्वेंटी सिक्स तो ट्वेंटी सिक्स में क्या है एक्सेलरेटेड तो इसका आपको इंटोनस बताना है तो इसका देखो आई थिंक पहला ही जो ऑप्शन है सही है यहाँ पे क्या होगा डी एक्सेलेटेड होगा एक्सेलरेटेड का चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन में जो है बोल रहा है कि कंपोज कंपोज का आपको क्या बताना है इंटोनेंस बताना है तो पहला क्या है डी कम्पोज स्टार्टल एंड स्टार्टल्ड इंस्टॉल्ड तो 27 का क्या होगा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही होगा स्टार्टल ठीक है एस टी ए आर टी एल ई अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव क्या है 28 ना कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है विस्तृत होता है कम्पोज का मतलब यहाँ क्या होता है लिखना होता है लगभग ठीक है लिखना और यहाँ पे क्या होगा इसका कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है विस्तृत होता है तो क्या होगा ऑप्शन देखते हैं पढ़ते हैं एक बार तो पहला क्या है अप्रीहेंसिव रिप्रेहेंसिव कॉम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट तो 28 का जो है कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन है 28 का जो होगा सी होगा क्या होगा कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट मतलब एक जगह पे सीमित हो जाना अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में है कि कॉन्डिमिनेशन तो इसका मतलब क्या होता है मतलब निंद होता है मतलब निंदा करना या फिर निंद कोई ऐसा काम ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या क्या हैं अफेक्शन अफिकेशन नहीं क्या है अफिकेशन हाँ एंड डिप्रिशिएसन एप्रिसिएशन तो ट्वेंटी नाइन क्या होगा मेरे पास ट्वेंटी नाइन जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा एप्रिसिएशन मतलब क्या वाह या शाबाशी देना एंड थर्टी uh, क्या है जे पर डे तो इसका जो है इसका मतलब क्या होता है जे पर डे का मतलब होता है ख़तरा ठीक है तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या है सेफ्टी सिक्योरिटी इम्प्यूनिटी एंड लॉफ्टी तो थर्टी का जो है कौन सा सही ऑप्शन है थर्टी हमें बी होगा सिक्योरिटी अब क्वेश्चन थर्टी फर्स्ट देखते हैं थर्टी फर्स्ट में क्या है जॉली तो जॉली का मतलब क्या होता है खुशमिजाज आपने जॉली एल एल बी टू मूवी भी देखी होगी तो वही वाला जॉली है जॉली का मतलब क्या होता है खुशमिजाज तो इसका आपको जो एंटोनिम्स बताना है तो पहला क्या है फुलिस बी क्या है डलॉर्ड एंड सी क्या है ग्लोमी एंड डी क्या है ब्लोमी तो थर्टी फर्स्ट का देखो क्या है थर्टी फर्स्ट का यहाँ पे सी होगा क्या होगा ग्लोमी एंड थर्टी टू क्या है थर्टी टू का है यहाँ पे ज्योडिसियस ज्योडिशियस का मतलब क्या होता है उचित होता है न्याय संगत या उचित कह सकते हो तो इसका आपको एंटोनिम्स बताना है तो उसका क्या होगा ऑप्शंस के आप पर एक बार पढ़ते हैं पहला होगा फुलिस बी क्या है फेवरेट एंड सी क्या है सुपरिनटेंडेंट एंड डी क्या है इम्प्रूडेंट तो यहाँ पे जो थर्टी टू है थर्टी टू का जो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे डी होगा इम्प्रूडेंट मतलब अनुचित कोई सी काम अब थर्टी थ्री देखते हैं थर्टी थ्री में क्या है मोडेस्ट तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है मामूली ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं इसके पहला है कंसीटेड बी है एक्सीडेड सी है एक्सट्रीमिस्ट एंड डी क्या है क्लाइमैक्स तो थर्टी थ्री का जो है कौन सा सही ऑप्शन है थर्टी थ्री का फर्स्ट होगा कंसीटेड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले थर्टी फोर है थर्टी फोर में क्या है एक्सपैंड एक्सपैंड का मतलब क्या होता है विस्तार करना होता है बढ़ाना तो ऑप्शन क्या क्या हैं एब्रीवेटिव क्या नहीं सॉरी एब्रीविएट एंड बी क्या है कॉन्ट्रैक्ट सी क्या है शॉर्टन एंड डी क्या है नैरो तो थर्टी फोर का क्या होगा यहाँ पे थर्टी फोर का जो है बी ऑप्शन सही होगा कॉन्ट्रैक्ट वो थर्टी फोर का आई थिंक यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए क्या होगा नैरो एक बार ठीक है आप लोग इसका आंसर देख लेना वैसे जहाँ तक मुझे लगा इसका नैरो होगा एक्सपैंड का उसके बाद थर्टी फाइव देखते हैं थर्टी फाइव क्वेश्चन में क्या है टेडियस ठीक है क्या है टेडियस का मतलब होता है थकाऊ होता है ठीक है तो इसका अब ऑप्शन क्या क्या है टॉलिंग्स क्या है? क्या होगा प्लेजेंट जीजनिंग एंड थ्रिलिंग एंड क्या है एक्साइटिंग तो थर्टी फाइव क्या होगा थर्टी फाइव के यहाँ पर सी होगा थ्रिलिंग तो देखो कहीं कहीं क्या होता है कि मतलब कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो मतलब या तो गलती से मुँह से निकल जाते हैं पता होते हुए भी या फिर कभी कभी हो जाती है कि ठीक है तो उस चीज़ को आप लोग अब एक ही चीज़ को लेकर मैं देखता हूँ आप लोग इतना कमेंट कर देते हो कि इसका ये मतलब ठीक है एक बच्चों ने एक बार कमेंट कर दिया तो आप लोग देख लो किसी किस ने कमेंट किया है तो है ना आप उसको चाहे लाइक कर सकते हो या फिर नहीं आप उसी में फिर से बोल सकते हैं तो मैं देखता हूँ कि ये कोई छोटी सी गलती हुई नहीं है कि उसमें आप लोग जो है पूरा भर डालते हो कमेंट सेक्शन कि है ना इसका ये नहीं ये होगा ठीक है मतलब हो जाती गलती यार मैं भी तो इंसान ही हूँ है ना ऐसा तो नहीं मैं भगवान हो गया हूँ कि मेरे से कोई गलती हो ही नहीं सकती है हो जाती गलतियाँ कभी कभी अनजाने में भी हो जाती हैं तो इसका इतना बड़ा आप लोग मत तो बनाया करो ठीक है कि नहीं इसका ये नहीं होगा ये कैसे आपने बोल दिया ये कर दिया वो कर दिया तो सब फालतू की बात इंग मत क्या करो उस अगर हमेशा वो नेगेटिव चीज़ ही आपको देखनी करनी है तो आप लोग कभी नहीं आप डेवलप कर पाओगे आप ही नहीं कोई भी इंसान जो अगर हमेशा नेगेटिव चीज़ को लेकर हमेशा वो फोकस करेगा फिर उसी को लेकर सोचेगा तो आई थिंक आप नहीं कर पाओगे ठीक है अगर कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए ठीक है आप एक एक दो लड़का है बता दो हाँ इसका ही नहीं होगा मैं उस चीज़ को ना खुद ही उसको मैं पिन कर देता हूँ या फिर मैं उसको लाइक करके उसमें बोल देता हूँ कि मतलब सॉरी फॉर मिस्टेक ठीक है तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स में क्या है टेम्परेट टेम्परेट का देखो मतलब क्या होता है शीतोष्ण होता है ना हिंदी में मैं बोलूँ तो. तो पहला इसका ऑप्शन क्या है हॉट एक्सेसिव अंडर स्ट्रेंड एंड डी क्या है एक्सट्रीम तो थर्टी सिक्स का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर डी होगा एक्सट्रीम एंड थर्टी सेवन क्या है टॉर्मेंट तो टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है यातना ठीक है सही से लिख देता हूं इसको क्या था 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 था? तो यातना होता है तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? जी ज्वाइस बी क्या है कम्फर्ट सी है डिसकंफर्ट डी क्या है एंजॉय तो थर्टी सेवन का जो है कौन सा ऑप्शन सही थर्टी सी का यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही होगा कंफर्ट एंड थर्टी एट क्या है वैकेंट वैकेंट का मतलब क्या होता है खाली होता है तो इसका आपको जो है इसका क्या होगा सही ऑप्शन थर्टी एट का जो होगा मतलब है फिल है फुल है एंड uh, जी प्लेट है एंड डी क्या है कम्प्लीट तो यहाँ पे जो वैकेंट है वैकेंट का जो अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे ऑप्शन सही होना चाहिए क्या होगा सी होगा क्या होगा जी प्लेट अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है थर्टी नाइन है थर्टी नाइन में क्या है यहाँ पे वर्चुअस है वर्चुअस का मतलब क्या होता है वर्चुअस का मतलब धार्मिक होता है ठीक है तो वर्चुअस का मतलब क्या होता है धार्मिक तो इसका जो है कौन सा सही ऑप्शन होगा जो वर्चुअस होता है वर्चुअस का आई थिंक जो मुझे यहाँ पे सही ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट ही होगा विसीएस अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फोर्टी है तो फर्टी का क्या है विजनरी विजनरी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है काल्पनिक ठीक है क्या होता है इसका मतलब काल्पनिक तो ऑप्शंस क्या क्या है इसमें ऑप्शंस है इग्नोरेंट एंड ड्रीमी, इम्प्रैक्टिकल एंड एल्यूजरी तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्टी है फोर्टी का जो क्या है, होगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा एल्यूजरी ठीक है तो ए आज आई थिंक हम बस इतने ही क्वेश्चन की करते हैं प्रैक्टिस आई थिंक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसके बाद हम जो अगला पार्ट आएगा उसमें बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसमें हम आगे इसमें फिर से लगभग 45-50 क्वेश्चन है उसकी हम और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट में तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बाकी अगर देखो फिर से कहीं कोई गलती हो जाए तो आप लोग एक दो लड़का मुझे बता देना उसको ठीक है मैं उसको कमेंट को पिन कर दूँगा बाकी वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि कहीं मतलब कम से कम जो है गलतियाँ हों तो फिलहाल जो है आज के वीडियो में इतना ही बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो